हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस हिस्ट्री। तो आज मैं इस वीडियो में बताने त्रिपुरा ए एन एम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आते तो कहाँ पे चेक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे फिल करना है, एप्लीकेशन का आप कब आपका डेट स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें google.com ओपन करना है, उसमें टाइप करना है त्रिपुरा ए एन एम 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पर आपको त्रिपुरा ए एन एम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना IAS पेपर .net त्रिपुरा ए एन एम 2022, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। तो त्रिपुरा ए एन एम एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। कैसे फिल करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, उस सिटी किस स्टेट के किस सिटी में रहते हैं। सपोज दैट मैं त्रिपुरा के अगरतला में रहती हूँ, तो ऐसे आपको फिल करना है। इंडस्ट्री कोर्स अपना है, जिस क्वालिफिकेशन गेट पे कौन सी पे फिल कर लेना है, इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू त्रिपुरा ए एन एम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फिर आपको सस्मिस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा ए एन एम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। त्रिपुरा रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑल द नोटिफिकेशन फॉर द रेफरेंस ऑफ द एप्लीकेंट रिलीज टू द एडमिशन प्रोसीडर इन ऑनलाइन मोड ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो त्रिपुरा रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म को निकालने के लिए, वही कंडक्ट कराते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे एप्लीकेंट हु वेंट टू अपीयर फॉर द एडमिशन प्रोसीडर कंडक्ट बाय द त्रिपुरा रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट नीड टू फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो त्रिपुरा रूरल हेल्थ डेवलपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट नीड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है यहाँ पे। देयर आर नो अदर मोड्स अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट्स कैन आल्सो गो थ्रू बिलो मेंशन डिटेल्स इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, अबाउट द एडमिशन प्रोसीडर। तो आपको अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएगी, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे आपको फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो त्रिपुरा एनम 2022 का नोटिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, एप्लीकेशन रिलीज जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस पेज पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट्स दिए गए हैं, एग्ज़ाम हाईलाइट्स, एग्ज़ाम का नाम त्रिपुरा एनम, त्रिपुल फॉर्म दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइप कौन सा है, नर्सिंग का एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल का है, कोर्स ऑफर्ड आपका डिप्लोमा है, कंडक्टिंग बॉडी त्रिपुरा रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है, इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड डेट्स यहाँ पे हैं। तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी अक्टूबर में, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में, एडमिट कार्ड आपका नवंबर में आ जाएगा, इंटरव्यू आपका नवंबर में होगा, मेरिट लिस्ट आपका दिसंबर में, काउंसलिंग आपका दिसंबर में। और यहाँ पे आपको नॉमिनेशन लेटर ऑन अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर जब भी करेज किया जाएगा यहाँ पे आपको डेट्स दे दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, त्रिपुरा एनम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज इन अक्टूबर 2022। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अक्टूबर 2022 को रिलीज कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टिल द फोर्थ वीक तक आपको चलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, अक्टूबर से स्टार्ट होगा और फोर्थ वीक अक्टूबर तक यहाँ पे चलने वाला। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, इन ऑर्डर टू
fill the application form. Applicant need to register themselves on the office website. तो आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है. विल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट नीड टू इंटर सम नेसेसरी प्रैक्टिकल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म. फॉर इंस्टेंट पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, स्कूल्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टेक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स एंड फर्दर डिटेल्स. तो आपको यहाँ पे कौन कौन से डिटेल्स देने, यहाँ पे दिया गया पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, स्कूल्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और यहाँ पे आपको पेरेंट्स डिटेल्स देने हैं. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल एप्लीकेंट नीड टू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको सक्सेसफुली पहले करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, स्टार्ट करना है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट विल रीड रिसीव्ड लॉगिन डिटेल्स फॉर द ऑथर बाय मेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. तो आपको यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा. वहाँ पे आपको जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप द लॉगिन डिटेल्स सेफ्टी टिल द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसीडर. एप्लीकेंट्स नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय एंटरिंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी नेसेसरी डिटेल्स रहेंगे उनको और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एंड प्रॉपरली. आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करेक्ट भरना और अपने प्रॉपरली फिल करना है. फॉल्स इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट फ्रॉम द फॉर्म आर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड बाई द अथॉरिटीज आर विल बी डायरेक्टली रिजेक्ट. तो आपका जो अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट द ड्यू फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ द सेम. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना टाइम से नहीं फिल किया तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सबमिट नहीं किया जाएगा. यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आपका क्या होना चाहिए, 10th और 12th होना चाहिए यहाँ पे. और आपका एज क्राइटेरिया, आपका मिनिमम आपका एज यहाँ पे कितना होना चाहिए, 17 ईयर्स होना चाहिए. सब्जेक्ट आपका कौन कौन से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें होगा तभी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हो गया. अपेयरिंग एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है. अपेयरिंग एप्लीकेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम. नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए. डोमिकल स्टेट आपका त्रिपुरा का ही होना चाहिए. और यहाँ पे आपका इंटरव्यू के बारे में बताया गया, द ऑफिशियली अथॉरिटीज विल कंडक्ट द ओनली इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू एएनएम कोर्स. द इंटरव्यू विल बेस्ड ऑन 10+2 लेवल सिलेबस. तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा. यहाँ पे आपको 10th और 12th के सिलेबस के हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया, एप्लीकेंट विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड द वेबसाइट इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड कंटेन बेसिक डिटेल्स सच एज नेम, रोल नंबर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स यहाँ पे दिए रहेंगे. आपका रोल नंबर, फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा, सेंटर डिटेल्स रहेंगे आपका. एप्लीकेंट नीड टू केयर एडमिट कार्ड अलोंग विद देम एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एज इट इज मॉडिटरी. विदाउट एडमिट कार्ड एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू अपीयर टू फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे. ऑफिशियली अथॉरिटीज विल प्रोवाइड एडमिट कार्ड टू दोज एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म. तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा
अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल किया होगा, अच्छे से सबमिट किया होगा, तभी आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। द एग्जामिनेशन सुपरवाइज विल बी वेरीफाइंग एडमिट कार्ड टू ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम रिजल्ट यहाँ पे एप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट रिजल्ट इन ऑनलाइन मोड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ। रिजल्ट विल बी अनाउंस बाय द ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपका रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। एप्लीकेंट नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट यूजिंग द लॉग इन डिटेल्स इन ऑर्डर टू चेक द रिजल्ट। तो आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, वहाँ पे चेक करना है, रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट नीड टू डाउनलोड द रिजल्ट फ्रॉम द वेबसाइट एज इट विल बी नीडेड इन द फ्यूचर। एप्लीकेंट फॉर रिक्वेस्टेड टू कीप द रिजल्ट सेफ्टी टिल द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसीडर। तो आपको अपना जो रिज़ल्ट रहेगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे। स्टेप टू डाउनलोड द रिज़ल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर द वेबसाइट। आपको यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताया गया है एंट्रेंस एग्जाम का जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो कैसे आपको देखना है। लॉग ऑन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्लिक ऑन द रिज़ल्ट टैब अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिजल्ट के टैब पे, उसके बाद इंटर योर लॉगिन, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। द रिज़ल्ट विल बी डिस्प्लेड इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो आपका रिजल्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको दिख जाएगा। क्लिक ऑन डाउनलोड एंड सेव द कॉपी, आल्सो टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और उसका कॉपी जो है वो सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम काउंसलिंग के बारे में दिया गया है। द काउंसलिंग राउंड विल बी कंडक्टेड बाई ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे आपका काउंसलिंग रिलीज किया जाता है, काउंसलिंग होता है। इन द काउंसलिंग राउंड एप्लीकेंट नीड टू पे फॉर द काउंसलिंग। एप्लीकेंट आल्सो नीड टू सबमिट ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल एंड एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स एज नीडेड टू काउंसलिंग राउंड फॉर वेरीफिकेशन प्रोसेस। तो आपको जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है चेक कराने के लिए, वेरीफिकेशन के लिए। एप्लीकेंट विल गेट एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी इन द काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड करने से आपका एडमिशन जो है वहाँ पे हो जाएगा। ये था आपका त्रिपुरा एनम से रिलेटिव फुल डिटेल्स। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।